नमस्कार जी, मैं संदीप चौधरी गुजरात से एलडीएफ पेज पे लाइव, और आज आपको लक्ष्मी डेयरी फार्म पे हमारे नए ऐड हुए बुल जाफराबादी देवराज और इसकी माँ दिखाएंगे जी। अब एलडीएफ की अगर जो बात करें तो आपने अभी तक मुरा में अच्छे से अच्छे बुल जो है, मोदी है, दारा है, सिकंदर है, ये सारे बुल भी देखे हैं। इसके बाद जो ऑनर है सरपंच साहब, इनकी एक ये भी सोच थी कि अच्छे से अच्छी बफेलोज की ब्रीड है, जैसे कि जाफराबादी है, बन्नी है, इस पे भी काम किया जाए। तो आज मानो कि जो सीन चालू हुआ था सिकंदर से, वो दारा कोहिनूर मोदी करके पूरे आज 20 बुल खड़े हैं और अच्छे से अच्छे लाइन के खड़े हैं। इसमें जो एक और बुल हमने ऐड किया है, मानो कि इसकी हमने जब देखी कि भाई इसने गुजरात गवर्नमेंट में मिल्किंग में चैम्पियन बनी थी बफेलो टोपली करके ये, और इसका नाम टोपली बीमा भाई ने इसलिए रखा है क्योंकि ये टोपला भर के यहाँ पे दूध देती है। और मानो कि अभी इसको ब्याने में 1.5 महीना बाकी है, 1.5 महीना अभी बाकी है और ये लेवटा बना के आ रही है। इसकी जो मिल्क वेन है वो भी अगर आप देखो शायद वो मिलेंगी। और जो टॉप बुल है अभी जाफराबादी के, जितने भी सीमन आपके पास आते हैं, ये मानो कि इस लेवल का दूध शायद ही कहीं पे है। अगर इसके दूध की बात करें तो इसने इस बार 29 किलो दूध कंपटीशन में दिया और गवर्नमेंट में इसने इनाम जीता, तो हमारे भी ध्यान में आई कि भाई अच्छी भैंस है। तो सरपंच साहब ने तुरंत जैसे बोल दिया, वीरेंद्र सिंह जी ने, भी संदीप जी अच्छी है जाफराबादी, तो इसके बुल को ऐड किया जाए फार्म पे, क्योंकि अगर ऐसी अच्छी बफेलोज पे काम किया जाएगा तभी पशुपालक का आगे मानो कि भला होगा। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो बुल है देवराज, आप जो देख रहे हैं, ये जो आप बुल देखते हो दारा, सिकंदर और कोहिनूर, इनके जो पहले 3 बिलों में 3 जो बुल है इसमें इसकी गणना होगी देवराज। और जो बुल है इसे, बेटा ये लाइव थोड़ा बंद करो, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे सुन लो। तो दूसरी बात ये है कि अच्छे से अच्छे बुलों में ये आगे इसे दिखाया जाएगा और आगे मेले में भी ये आपको दिखता, बहुत अच्छा तैयार करेंगे। और इसका जो सीमन है, जब 1 साल या 1.5 साल बाद जब ये अवेलेबल होगा, तो ये आपको ये भी बता दें कि जाफराबादी में ये पहला प्राइवेट बुल होगा, चाहे हम कोई भी प्राइस सेट कर लें इस बुल की चलने वाली है, लेकिन हम अपने पैसों से ज़्यादा किसान का फ़ायदा सोचेंगे। हाँ जी बीमा भाई, और इसका जो सीमन है जब बनेगा पूरे टेस्ट के साथ, तो जैसे कांकरेज में हमने नॉमिनल रेट्स पे चलाया है, ऐसा ही सोचेंगे कि भाई इस रेट पे नॉमिनल रेट्स पे चलाया जाए कि किसान को आगे मानो कि फ़ायदा लगे और ऐसी चीज़ तैयार हो घर पे कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक इसकी प्योर जाफराबादी है। तो ये सोच लेके वीरेंद्र जी जो चल रहे हैं,
अभी इस लेवल पे, तो मानो कि अभी भी मानो कि बोल सकते हैं कि भी टॉप मुरा फार्म है LDF, और इसमें अच्छे से अच्छी जाफराबादी ब्रीड का बुल ऐड कर रहे हैं। कांकरेज का भी एक बुल हमने गोपाल परचेज किया है, और मानो कि ये यहाँ से हम लेके जाएंगे और 4 या 5 दिन में लक्ष्मी डेयरी फार्म में दोनों बुल ऐड हो जाएंगे जी। तो कांकरेज है, इसके बाद मानो कि बनी बुल है, मुरा बुल है, सारे इंडिजीनियस जो ब्रीड है इसके बुल इसमें ऐड किए जाएंगे। इनके ऊपर टैगिंग का काम भी कर दिया गया है, 72 इसका टैग है, इसकी माँ के ऊपर भी टैग लिया लगाया गया है। सारे बुल का जो रिकॉर्ड है, इसकी माँ का 29 किलो दूध है, फादर गुजरात लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से सुरेश करके बुल है, जिसका सुरेश का फादर भी कुपड़ो करके है। तो मानो कि सारा रिकॉर्डेड जो चीज़ है वो किसान के घर पे आ रही है, आएगी जब भी आएगी, और ऐसी चीज़ें तैयार करने में मदद करेगी। अब बात करेगी इसकी दूध की, तो बीमा भाई इसका दूध जो है वो कितने पे यहाँ से जाता है? 60 रुपये पे लीटर यहाँ से चले जाता है, यानी कि फैट लाइन भी बहुत अच्छी है। तो कैसा लगा हमारा काम ये आप बताइएगा जी। धन्यवाद जी।